जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, जो आप ऑरेंज खाते हैं, वो भी फौजियों का है। नेक्स्ट इज फाउंडेशन गैस, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम, फौजी सीमेंट, फौजी कबीर वाला पावर कंपनी, मरी पेट्रोलियम, फौजी अकबर कोशिया मेरीन टर्मिनल लिमिटेड, फौजी ऑयल टर्मिनल, फाउंडेशन सिक्योरिटीज, अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट, फाउंडेशन विंड एनर्जी और बहुत से पेट्रोल पंप्स, ये सब फौजी फाउंडेशन के अंडर काम करते हैं। अब बात करते हैं उन बिजनेसेस की जो डायरेक्टली आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अंडर है। इसमें सबसे पहले है अस्करी जनरल इंश्योरेंस, अस्करी सिक्योरिटीज, अस्करी एविएशन सर्विसेज, अस्करी गार्ड्स, अस्करी एंटरप्राइजेस, फौजी सिक्योरिटी सर्विसेज, अस्करी रियल एस्टेट, अस्करी प्रोजेक्ट्स, अस्करी फार्म्स एंड सीड्स, अस्करी वेलफेयर शुगर मिल्स, ब्लू लगून, अस्करी अपैरल, अस्करी फ्यूल्स एंड मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स। अब बढ़ते हैं शाहीन फाउंडेशन की तरफ, तो इसमें है शाहीन एयरपोर्ट सर्विसेज, सैप कार्गो सर्विसेज, सैप एविएशन कॉलेज, एयर ईगल, एयर ईगल एविएशन अकेडमी, शाहीन हाउसिंग पिशावर, शाहीन कॉम्प्लेक्स लाहौर एंड कराची, शाहीन एरो ट्रेडर्स, शाहीन एविएशन मेंटेनेंस ओवरऑल सेंटर, शाहीन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, फजाइया एजुकेशन स्कूल सिस्टम, शाहीन मेडिकल सर्विसेज, हॉक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और शाहीन इंश्योरेंस कंपनी। और आखिर में बढ़ते हैं बहरिया फाउंडेशन की जानिब, तो इनके अंडर है बहरिया एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सर्विसेज, मैरिटाइम सर्विसेज, बोट बिल्डिंग यार्ड, फलाह ट्रेडिंग एजेंसी, बहरिया फार्मेसी, बहरिया पेंट्स, बहरिया ट्रेवल्स, बहरिया सिक्योरिटी सर्विसेज, बहरिया रिक्रूटिंग सर्विसेज, बहरिया रियल एस्टेट, बहरिया कंटेनर टर्मिनल, बहरिया फिलिंग स्टेशन डेवलपर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स, बहरिया फूड्स और बहरिया विंड एनर्जी फार्म। सबसे पहले है फौजी सीरियल्स। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े सेंसिटिव प्रो इशू के ऊपर आए हैं। 14 मेगा पिक्सल कैमरे के साथ है, मेरे आपको अंग अंग नजर आ रहे होंगे, इसी वजह से मैंने बत्ती नहीं बाली। वो लोग के कहने के गला एने एने खड्डे थे, चांद तो नहीं है जिन्हें बाबे के मुँह देते हैं, तो यहाँ आपको लगा है लगा है। इसमें से आप कहेंगे तो एक एक के ऊपर कर देंगे, फिर साल दो साल चाहिए, बल्कि करना जन्म चाहिए, मोटे मोटे ये बता देते। पहले तो एक क्रीम डैडी, वो सलीम मांडी वाला या और कोई उनको कहा जाता है कि स्टेबल रखने हमारे शेयर, प्राइवेट लिमिटेड है ना, हमारे शेयर स्टेबल रखने, इसमें ट्रेडिंग बोगस नहीं करनी वगैरह वगैरह ये करने नहीं। वो हमारे कर्नल साहब हैं या ब्रिगेडियर साहब होंगे या जनरल साहब, वो आपको बताएंगे किसके उठाने हैं किसके लगाने हैं। वो इन्होंने जर्नलों ने कि यार ये बिके ये इसको उठा लो तो हवा चलेगी तेज़ होएगा, फिर फटाफट बेचना, जब बिक जाएंगे तो वो मार्केट में वापस फेंक दिए जाएंगे। जो ये जुआ होता है, एक तो ये नुकसान हैगा, दूसरा है किधर चला गया, आहो कड़ी नहीं नज़र आ रही, हाँ जी खान है। तो दूसरा ये है फौजियों के ये सारे यूनिट अभी कम बताए, उसने सेल टैक्स नहीं देते क्योंकि ये कहते फौजियों के प्रोविडेंट फंड से बना पेंशनों से, तो हमारे पर सेल टैक्स नहीं लगता, 19% बचत तो वहीं पर ही होगी। जो चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करते हैं उस पर सेल टैक्स नहीं है, और पाकिस्तान इम्पोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। अब 19% तो इन्होंने यहाँ पर तो फौजी सीरियल कह लो या रफान हवाले आ जाएंगे मेमन, इन्होंने तो 19% वहीं से कमा लिया, 100 का अगर डब्बा 19 रुपये तो वहाँ से चले गए प्रॉफिट लगा, उसने बेचारे ने टैक्स भी देने 2 दफ़ा। वो आपको टैक्स का भुबल भोसा बताएंगे, भुबल भोसा सुभाष, वो 2 दफ़ा टैक्स जो है ना वो कड़ी रोकते नहीं कि नहीं रुके। अच्छा जी ये भी होता है टैक्स। फिर इन्होंने जो लीज पे जगह ली होती, लीज के ऊपर उस पर 1% लीवी नहीं देते, 1% रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड से बने हुए सारे, ये आर्मी ऑफिशल या डिफेंस मिनिस्ट्री के उसमें आते हैं फलाह बहबूद में काम करने, तो ये इसकी फीस एग्जाम्पशन एग्जाम्प्ट। जिस तरह अब बजट में फौजी जितनी मर्जी पर प्लाट बेचे बूचे उसको सेलिंग बाइंग टैक्स नहीं लगता, लेकिन सिविल करेगा तो उसको लगेगा। तो ये देखो जी ये भी ये इस बजट में होया,
इसके ऊपर भी टैक्स उन्होंने लगा दिया। डिफेंस में होते ही प्लाटों की सेलिंग, भाई मकान कम बिकते हैं कि यार एक दो बन गया, चलो यार सुकून से रहेंगे जैसा कैसा भी, कोई अपनी पसंद का बेगम के कहने पे वो परचिती बना ली, रोशनदान कर लिया, ये कर लिया, फिर ये कहाँ से चीज़ें मिलेंगी। या जिनके घर होते हैं ना अपने, उनको बेगमों ने ये किल किल डाली हुई होती, ऐसे रोशनदान को उड़ा दो मेरा दम घुटदा, ऐसे इंज कर दो मैं बाहरों छाती मारनी होंगी, उतों खिड़की लवा दो मैं गुआंढ के घर छाती मार के तो देखनी होंगी, चुगलियाँ करनिया वगैरह वगैरह। ये ओवरऑल माशरे की बात। अच्छा, इनके ऊपर जब जाता है पहले प्रॉफिट निकालते हैं, जो चीज़ बिकी है ना उसका प्रॉफिट निकालते हैं, वो जो ये परसेंटेज होती जो जो शेयर मार्केट का होता है, फौजियों ने जो शेयर खरीदे ना वो निकालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी ये हमारी बची है इतनी सी धूम सी बजती, जहाँ अलफ नून कहते हैं ना, जहाँ मुर्गी ख़त्म होती तो वो तो देता है, तो जहाँ शुरू होती तो वो देता है, तो ये वो बिल्कुल इस तरह टैक्स है ना, इनकम टैक्स ये देते हैं, जो इनसे इनकम भी तो होती है ना, बिलियंस की होती, तो जहाँ मुर्गी ख़त्म होती वो दे देते हैं महकमा CBR FBR को, फाइनेंस आर्म को, इनकम टैक्स वालों को, जहाँ मुर्गी मिकती तो ये वहाँ दे देते हैं। ये तो सूरत हाल होते हैं। अब आप इसको गिन लें कहाँ पे ये चलता, मुल्क से बाहर भी हैं, अपने दुबई में, पूरे गल्फ में, ये बैरिया फाउंडेशन स्कूल हैगा, ये इन्हीं का ही है, और इन्हीं का ही महकमा डिफेंस के बंदे ही उधर जाके कर्नल को प्रिंसिपल बना देते हैं, जो इधर टैंकों को तेल लगाता रहा उधर जाके प्रिंसिपल लगा हुआ था, जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा, और बाकी उधर लोकल स्टाफ भर्ती कर करके, तो चलो जी, तो फिर तनख्वाह भी पूछ जाते हैं, वो बोलता भी नहीं केस क्या करेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।